नमस्कार सारस्वत इष्ठानु एंड टाइपिंग क्लासेस में मैं प्रमोद सारस्वत आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे राजस्थान जीके की ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान में झीलें, लेक्स ऑफ राजस्थान। ये आपके राजस्थान का जो जल संसाधन है उसके अंतर्गत आता है। दोस्तों मैंने नदियों का टॉपिक आपको पहले ही समझा चुका हूँ। अब बाकी जल के अंदर जो चीजें आती है वो झील आती है, आपके डैम आते हैं, तो उन चीजों को हम आने वाले वीडियोस में लेने वाले हैं। तो राजस्थान इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ लेक्स ऑफ राजस्थान। तो दोस्तों आपको ये क्लासेस मिल रही है इंडियाज नंबर वन इंस्टीट्यूट फॉर स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग सारस्वत स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस, जो स्थित है जयपुर में। तो अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ से बेल आइकन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले हमारे मिलते हैं। जो महत्वपूर्ण जानकारी स्टेनो से होती है और जो स्टडी मटेरियल होता है वो आपको सबसे पहले मिल जाता है। तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि राजस्थान में झीलों को, तो लेक्स ऑफ राजस्थान। देखो यहाँ झीलें दो प्रकार की पाई जाती है। दो प्रकार की कौन सी झीलें होती है? एक होती है खारे पानी की और एक होती है मीठे पानी की। यहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों ये मीठा नमक निकल रहा है यहाँ से, ये खारे पानी की झीलें हैं। आप ये लोग देख रहे हैं ये मीठे पानी की झीलें, जिसको आप साधारणतः पानी पीने के काम में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम जो उठाने जा रहे हैं दोस्तों वो होगा खारे पानी की झीलें। देखिए सबसे पहले यहाँ जब धरती पूरी एक साथ जुड़ी हुई थी, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक साथ जुड़ा हुआ पार्ट है और इस जगह आप देख रहे हैं 33 सागर है। देखिए दोस्तों ये मैंने अपने जो पहले के वीडियोस हैं उसमें पूरा आपको ब्यौरा दिया हुआ है कि किस तरीके से 33 सागर राजस्थान में बहा करता था, किस तरह से हिमालय पर्वत यहाँ पे हुआ, हिमालय पर्वत की जगह पे भी 33 सागर हुआ करता था और बाद में समय के साथ साथ ये चीजें आप रेगिस्तान के अंदर तब्दील हो गई थी। तो 33 सागर के अवशेष आज भी सांबर, डीडवाना, पचपदरा आदि खारे पानी के झीलों के रूप में राजस्थान में विद्यमान है। तो राजस्थान में खारे पानी की झीलें मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में पाई जाती। तो राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी, मान लीजिए ये राजस्थान है और इसका उत्तरी पश्चिमी कौन सा हो गया, ये नॉर्थ और ये पश्चिमी, मतलब आपके जैसलमेर, बाड़मेर, जो जोधपुर वाला इलाका है वो आपके आ जाता है। तो यहाँ सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहां पर मिलती है? नागौर में मिलती है। अगर क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक खारे पानी की झीलें राजस्थान के कौन से जिले में है तो आप क्या करेंगे? नागौर जिले में, राइट। सबसे पहली झील पे अपन आ जाते हैं, तो यहां पर अपन बात करते हैं सांबर झील की। तो जयपुर, नागौर और अजमेर, यहां पर आप देखेंगे दोस्तों ये नक्शा आपके सामने है और इस जगह पर ये जो सांबर झील है वो स्थित है। तो यहां पर जयपुर भी पार्ट आ रहा है, नागौर का पार्ट भी आ रहा है और अजमेर का पार्ट भी आ रहा है। तो तीन जिलों में सांबर झील का क्या है, फैलाव है। इस झील में खारी, मैंथा, रूपनगढ़, खंडेला, मेंढा, सामोद नदियां आकर गिरती है। तो खारी, मैंथा, रूपनगढ़, खंडेला, मेंढा और सामोद नदियां कहां पर है? सांबर झील में गिरती है। इस झील के नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक है। किसकी मात्रा अधिक है? सोडियम क्लोराइड की। इसलिए सोडियम सल्फेट संयंत्र की स्थापना हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी सांबर सॉल्ट द्वारा की गई है। दोस्तों यहां पर यह भी मैं आपको बता देता हूं कि जो रेलवे नीर, जो पानी की बोतलें आती हैं, इसका भी संयंत्र जो है वो सांबर झील पर ही लगा है, ठीक है। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड के द्वारा, जो सहायक कंपनी सांबर सॉल्ट द्वारा यहां पर संयंत्र लगाया गया है सोडियम सल्फेट का। सांबर झील को पर्यटन के क्षेत्र में रामसर साइट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। स्वेडा फ्रूटी या साल वेडोरा स्पीसीज नामक वनस्पति सांबर के जल में से खारेपन की मात्रा को कम करने के सहायक होती है। तो ये वनस्पति भी आपके क्वेश्चन आ सकता है कि स्वेडा फ्रूटी और साल वेडोरा स्पीसीज, तो ये आपको याद करने हैं। स्वेडा फ्रूटी या साल वेडोरा स्पीसीज नामक वनस्पति जो है वो सांबर के जल में खारेपन की मात्रा को कम करने के लिए यूज की जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम लेते हैं दोस्तों डीडवाना झील, ठीक है।
तो डीडवाना झील आपके पड़ती है डीडवाना नागौर के अंदर, इस जगह ये नागौर जिले में डीडवाना नगर के निकट 4 किलोमीटर लंबी और 3 से 6 किलोमीटर चौड़ी झील है। कौन सी झील की बात हो रही है? डीडवाना झील। इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है। 1960 में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स नाम से 2 उद्योग स्थापित किए गए हैं जो सोडियम सल्फाइड और सोडियम सल्फेट का उत्पादन करते हैं। इस सोडियम का उपयोग कागज बनाने में किया जाता है। तो डीडवाना झील से के सोडियम का जो उपयोग किया जाता है वो किसके? कागज बनाने के काम में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पचपदरा, और पचपदरा पड़ती है आपके बाड़मेर में। यह झील बाड़मेर जिले में पचपदरा नामक नगर के पास स्थित है। और दोस्तों पंचा नामक जो भील था उसके द्वारा दलदल को सुखाकर इस झील का निर्माण किया गया था, जो यहाँ की कथा है कि कोई पंचा नामक भील यहाँ पर आ करता था और उसने ही दलदल को, यहाँ की जो दलदल थी उसे सुखाया और उस सुखा के इस झील का जो है निर्माण किया। यहाँ पर खारापन जाति के लोगों के द्वारा, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये खारापन जाति के जो लोग हैं द्वारा मोरली झाड़ी की टहनियों का उपयोग कर नमक के स्फटिक बनाए जाते हैं। यह नमक उत्तम किस्म का होता है जिसमें 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। तो सबसे उत्तम किस्म का जो आपको नमक मिलता है वो पचपदरा झील से मिलता है जो कि स्थित है बाड़मेर में, जिसमें 98% सोडियम क्लोराइड की जो पाई जाती है। और खारापन जाति के लोगों के द्वारा नमक के स्फटिक बनाने के लिए जो झाड़ी का यूज होता है उसका नाम क्या होगा? मोरली झाड़ी। नेक्स्ट हम ले रहे हैं रेवासा झील जो कि स्थित है सीकर में। ये झील सीकर जिले में स्थित है और सीकर आपके आता है जयपुर और झुंझुनू के बीच में। ये झील सीकर जिले में स्थित है। इस झील को प्राचीन काल में नमक उत्पादन में संपूर्ण एशिया में जाना जाता था। आज ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक समय था जब एशिया में इस जगह का नाम काफी प्रचलित था। राजस्थान का इतिहास लिखने वाले लेखक जो है कर्नल जेम्सटोन, जिनको घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, ने अपनी पुस्तक एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में रेवासा झील का उल्लेख भी किया है। ठीक है, तो यहां पर जो इन्होंने ये बुक लिखी थी इसमें रेवासा झील का कर्नल जेम्सटोन के द्वारा वर्णन मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अन्य खारे पानी की जो झीलें हैं। तो दोस्तों लुण करणसर झील ये आपके पड़ती है बीकानेर में। इसके बाद हम बात करते हैं फलोदी झील की। तो लुण करण इट्स बीकानेर। फलोदी झील ये आपके पड़ेगी जोधपुर में। कौन सी? फलोदी। काबोद झील जो है वो आपके पड़ेगी जैसलमेर में। और ताल छापर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ताल छापर अभ्यारण भी है और ताल छापर झील भी है। तो ये कहां पर है? चूरू में। लुण करणसर, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, काबोद, जैसलमेर और ताल छापर चूरू में। ठीक है, साथ ही अपन बाकियों की बात करते हैं। तो डेगाना आपके नागौर में, पोखरण आपके जैसलमेर में, काबोद और पोखरण दोनों ही, फलोदी और बाप दोनों ही जोधपुर में, कोछोर आपके पड़ेगी सीकर में, यहीं पे आपकी रेवासा झील भी आती है। यहां नागौर में आपको मिलती है नावा झील और सीकर में एक और झील मिलती है उसका नाम है पिथनपुरी झील। तो ये काफी रेयर क्वेश्चंस हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको ये सभी को नोट्स के तौर पे लिखते रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही जहां पर जरूरत हो, मैंने आपको स्टार्टिंग से कह रखा है कि आप अपने हाथ में राजस्थान का मैप रखें ताकि आप इन चीजों को अच्छे से कवर कर सके। वीडियो को आप बीच बीच में स्टॉप भी कर सकते हैं दोस्तों।
तो इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट हमने अब तक खारे पानी की झीलें पढ़ी, अब हम इम्पोर्टेंट देखते हैं मीठे पानी की जो झीलें हैं। तो सबसे पहले हम उदयपुर की बात कर लेते हैं, जो आपका ये एरिया है उदयपुर में, जैसमंद झील जिसका दूसरा नाम ढेबर झील भी है। तो दोस्तों मेवाड़ की गहलोत वंश के शासक महाराजा जय सिंह ने 1685 से 1691 ईस्वी में उदयपुर शहर से लगभग 51 किलोमीटर दक्षिणी पूर्वी आपका इलाका हो गया प्रतापगढ़ की तरफ, दक्षिणी पूर्वी इलाका जो है में गोमती नदी पर, कौन सी नदी पर, गोमती नदी पर बांध बनवाकर जैसमंद झील का निर्माण जो है वो किया गया था। तो जैसमंद में ही आपके जयसिंह जी का नाम छुपा हुआ है, मेवाड़ के गहलोत वंश और गोमती नदी पर ये बांध बनवाया गया। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम और मीठे पानी की झील जो है वो जैसमंद झील है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है राजस्थान की मीठे पानी की, तो यहां पर आप दे सकते हैं जवाब कि जैसमंद जो झील है वो आपकी कृत्रिम झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर जो कि भाखड़ा है, ये दूसरे नंबर पे आती है। ठीक है, तो याद रखिए कि राजस्थान की अगर सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछी जाए तो जैसमंद है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछी जाए तो वो गोविंद सागर भाखड़ा जो झील है वो आती है। तो और ये कहा जाए कि राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो जैसमंद ढेबर झील होगी। ठीक है, कृत्रिम झील की बात चल रही है दोस्तों। इसको इसका दूसरा नाम ढेबर झील भी है। इस झील के क्षेत्र में 7 छोटे बड़े टापू हैं, यहां पर बीच बीच में छोटे छोटे टापू बने हुए हैं दोस्तों, तो जिन पर भीलवे मीणा जाति के लोग रहा करते थे। बाबा का भाखड़ा इस झील का सबसे बड़ा टापू है और प्यारी सबसे छोटा टापू है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाबा का भाखड़ा जो है ये टापू कौन सी झील पे है, या प्यारी जो सबसे छोटा टापू है ये किस झील पे है, तो जैसमंद या ढेबर झील पर। इस झील में एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल भी बनाया गया है। जैसमंद झील के निकट एक पहाड़ी पर चित्रित हवा महल स्थित है। इस झील के पास ही जो रूठी रानी का महल है वो भी स्थित है। ठीक है, तो रूठी रानी का महल कहां पर है, जैसमंद झील उदयपुर में स्थित है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि किस झील के निकट एक पहाड़ी पर हवा महल का चित्र अंकित किया गया है, जैसमंद झील, आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा जैसमंद झील, जो कि कहां पर है, उदयपुर में। इसके बाद बात करते हैं राजसमंद झील की। तो दोस्तों इस झील का निर्माण 1962 में राज सिंह, यहां पर आप नाम से ही क्लियर हो रहा है कि राजसमंद इस राज सिंह द्वारा सिर्फ गोमती नदी पर ही करवाया गया था 1676 में। यह झील 6.5 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी है। ये मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, उस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ये राज्य की एकमात्र ऐसी झील है जिस पर किसी जिले का नामकरण हुआ है, मतलब राजसमंद झील से ही जो जिला, जो राजसमंद जिला है उसका निर्माण हुआ नाम का। इस झील का उत्तरी भाग नौ चौकी की पाल के नाम से प्रसिद्ध है। जो इस झील का उत्तरी भाग, मान लीजिए नॉर्थ है, तो ये नौ चौकी की पाल के नाम से प्रसिद्ध है, जहां पर संगमरमर के 25 शिला लेखों पर 1917 संस्कृत के श्लोकों में रणछोड़ भट्ट द्वारा मेवाड़ का इतिहास अंकित किया गया है। तो ये आपका जैसे ये नॉर्थ इलाका जो है, इसमें संगमरमर के 25 शिला लेखों पर संस्कृत के श्लोकों में रणछोड़ भट्ट के द्वारा मेवाड़ का इतिहास जो है वो अंकित किया गया है। ये विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति है जिस पर मेवाड़ के शासकों का वर्णन है। राज प्रशस्ति दोस्तों राजाओं की जो गाथा वर्णित की जाती है वो, उसको हम राज प्रशस्ति कहते हैं। इस झील के किनारे पर घेवर माता का मंदिर भी है। तो यहां पर आप देखेंगे कि घेवर माता का मंदिर इस झील के किनारे पर भी स्थित है। नेक्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं पिछोला झील।
एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट, काफी क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए यहाँ पर इतना मैं आपको थोड़ा सा डीप बता रहा हूँ दोस्तों। इस झील का निर्माण राणा लाखा के द्वारा लाखा के शासन काल में 14वीं शताब्दी के अंत में पिछोला जो गांव है वो एक बंजारे ने कराया था। पिछोला गांव है आपके उदयपुर में। इस झील का जीर्णोद्धार राणा उदय सिंह ने करवाया। सिटी पैलेस राजमहल का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने पिछोला झील के किनारे कराया। तो आप यहां पर ये देख रहे हैं, ये सिटी पैलेस है और इसका जो निर्माण है वो महाराणा उदय सिंह ने पिछोला झील के किनारे पर करवाया था, सिटी पैलेस या राजमहल। इस झील पर निर्मित बांध का पुनर्निर्माण राणा भीम सिंह ने 1795 में करवाया था। शाहजहां ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह के दौरान यहां स्थित महलों में शरण ली थी। तो दोस्तों इधर जो महल है इन जगह पर ही जो शाहजहां थे वो रुके थे। जहांगीर के खिलाफ जब विद्रोह हो रहा था तो शाहजहां ने यहां पर ही शरण जो ली थी। हल्दीघाटी के युद्ध में किससे पूर्व मानसिंह और राणा प्रताप की मुलाकात भी पिछोला झील की पाल पर ही हुई थी। तो यहीं पे जब आपको पता होगा कि महाराणा प्रताप से बात करने के लिए जब मानसिंह जी आए थे और उस समय राणा प्रताप ने उनसे बात करने से भी मना कर दिया था, तो इस तरह की जो बातचीत हुई थी खाना खाते टाइम की समय की बात थी ये। तो दोस्तों ये भी आपके पिछोला झील के पाल पर ही ये मुलाकात हुई थी। ब्रिटिश इतिहासकार फर्ग्यूसन ने पिछोला झील की तुलना लंदन के विशाल विंडसर महल से की है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी झील है जिसकी तुलना लंदन के विशाल विंडसर महल से की जाती है। तो पिछोला झील की जलापूर्ति भुजड़ा या सी सारमा नदियों द्वारा होती है। इस झील को वर्तमान में स्वरूप सागर झील की सहायता से फतेह सागर झील से जोड़ा गया है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस झील के वर्तमान में स्वरूप सागर झील की सहायता से इसको मतलब इसमें पानी भरा रहे, इसकी सुंदरता को लिहाज रखते हुए स्वरूप सागर झील की सहायता से फतेह सागर झील से इसको जोड़ा गया है। पिछोला झील में दो टापुओं पर जग मंदिर और जग निवास महल बने हुए हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि नदी पे टापू है और यहां पर ये देखिए आप, यहाँ ये टापू बने हुए आपको दिख रहे होंगे। तो यहां पर ही जग मंदिर और जग निवास महल बने हुए हैं। वर्तमान में ये दोनों ही राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अधीन है तथा इन्हें होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। यहाँ पर आपको जो राजस्थान पर्यटन विकास निगम के द्वारा जो बनाए गए होटल से वहां पर आपको ठहरने की इसमें सुविधा मिलती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन फतेह सागर झील की, जिसको अभी अपन ने देखा था कि स्वरूप सागर झील से जोड़ा गया था। तो इस झील का निर्माण जो है वो जयसिंह के द्वारा ही 1978 में कराया गया। अतिवृष्टि के कारण तहस नहस हो जाने पर इसका निर्माण जो है महाराणा फतेह सिंह द्वारा करवाए जाने के कारण ये फतेह सागर झील कहलाई। तो अब तक अपन देख रहे थे कि नाम में ही राज छुपा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जयसिंह जी ने बनाया लेकिन फतेह सागर नाम था। तो दोस्तों जयसिंह जी ने इसका निर्माण तो करवाया था लेकिन अतिवृष्टि मतलब अत्यधिक बारिश के कारण ये चीज तहस नहस हो गई थी। बाद में दोबारा इसको फतेह सिंह जी ने करवाया और इसीलिए इसका नाम जो है वो फतेह सागर झील रखा गया। फतेह सागर झील पर स्थित बांध की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनाट ने रखी थी, जिस कारण ये बांध कनाट बांध के नाम से कहलाया था। फतेह सागर झील के मध्य में स्थित एक टापू पर नेहरू आइलैंड स्थित है। यहां आप जैसे देखेंगे कि नेहरू आइलैंड आपका स्थित है। तो 1975 में सौर वैद्यशाला की स्थापना भी इसी झील में एक टापू पर की गई थी। यहां पर काफी छोटे छोटे टापू बने हुए हैं जिस पर इस तरह के कई निर्माण किए गए हैं। तो यहां पर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि नेहरू आइलैंड कहां पर है फतेह सागर झील पे, सौर वैद्यशाला कहां पर है, तो भी आप कहेंगे कि कौन सी झील पर है, तो फतेह सागर झील पर। फतेह सागर झील के नीचे सहेलियों की बाड़ी स्थित है। इस झील के किनारे स्थित मोती मगरी पहाड़ी को महाराणा प्रताप स्मारक के रूप में भी विकसित किया गया है। कौन सी इस झील के किनारे यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि मोती मगरी पहाड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे महाराणा प्रताप स्मारक के रूप में क्या किया गया है, विकसित किया गया है। फतेह सागर झील के दूसरे किनारे पर 1989 में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र
उदयपुर द्वारा हलाला गांव में ग्रामीण शिल्प एवं लोक कला परिसर शिल्प ग्राम का सृजन भी किया गया है। इसी का एक किनारा तो ये था, और दूसरे किनारे में यहां पर आप देखेंगे कि ग्रामीण शिल्प एवं लोक कला परिसर शिल्प ग्राम का सृजन भी यहां पर किया गया है। नेक्स्ट अपन लेते हैं दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं उदयपुर की तरफ से, उदयपुर और राजसमंद से निकलते हैं और नक्शे के अकॉर्डिंग हम आते हैं अब अजमेर की ओर। तो दोस्तों आप यहां पर ये देख रहे हैं, ये अजमेर सेंटर जो राजस्थान का है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर अर्णो राज अन्ना जी के द्वारा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लिख ही लीजिए, इसमें से आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो अर्णो राज ने सन 1137 में इस झील का निर्माण करवाया था। तारीख ये डेट आप यहां पे सन याद करेंगे 1137, और किसके द्वारा? अर्णो राज के द्वारा। इस झील के किनारे मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। तो दोस्तों इस झील के जो इस किनारे पे यहां पर आप देख रहे हैं, ये एक पूरा एक बाग है जिसको, ठीक है, तो इसका जो निर्माण किया गया था वो दोस्तों जहांगीर जी के द्वारा, बादशाह जो जहांगीर थे उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, और इसका उस समय नाम हुआ करता था दौलत बाग, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। इस झील पर शाहजहां ने 12 दरवाजे में से संगमरमर के 5 दर का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। आना सागर झील कहां पर स्थित है? तो ये झील स्थित है अजमेर में। नेक्स्ट अजमेर की ही हम दूसरी पार्ट को लेते हैं, तो ये है फॉय सागर झील जो कि अजमेर में ही स्थित है। तो इंजीनियर फॉय के निर्देशन में बांडी नदी पर बांध बनाकर अकाल राहत कार्यों के तहत इस झील का निर्माण किया गया था। ये निर्माण 1891 से 1892 के दौरान करवाया गया। इस झील में जल स्तर अधिक होने पर इसका जल आना सागर में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आना सागर और फॉय सागर झील कहां पर स्थित है, तो ये आप बता सकेंगे कि ये अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट हम लेते हैं पुष्कर झील। पुष्कर झील भी दोस्तों, पुष्कर झील जो सबसे पवित्र जो झील के नाम से आप सभी लोग जानते होंगे, जहां पर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। तो अजमेर से 13 किलोमीटर दूर पुष्कर में स्थित यह झील तीन ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। इस झील के किनारे ब्रह्मा जी का मंदिर है जो देश का एकमात्र मंदिर है। गोकुल चंद पारिक ने 1752 में ब्रह्मा जी मंदिर को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था। राजा मानसिंह द्वारा, जो राजा मानसिंह प्रथम थे, उनके द्वारा पुष्कर झील के किनारे मान महल का निर्माण कराया गया था। मान महल कहां पर है? पुष्कर में। किसके द्वारा? यहीं पे मान के अंदर ही छुपा हुआ है। मान मतलब मानसिंह द्वारा, मानसिंह प्रथम द्वारा। पुष्कर झील के किनारे स्थित 52 घाटों में, कितने घाट हैं ये टोटल, छोटे छोटे घाट बने हुए, ये टोटल कितने? 52 घाटों में से सबसे बड़ा घाट गांधी घाट है, जिसे जनाना या महिला घाट भी कहा जाता है। इसका निर्माण मैडम मैरी के द्वारा करवाया गया था। इंग्लैंड की महारानी मैडम मैरी 1911 ईस्वी में पुष्कर झील देखने आई थी, और उसी के बाद में इसका जो गांधी घाट या जनाना महिला घाट है, इसका निर्माण करवाया गया। प्रत्येक वर्ष, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेलों में भी ये चीज आएगी, मैं बाद में भी रिपीट करूंगा। तो प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को यहां पर विशाल पशु मेला भरता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थे पुष्कर झील से रिलेटेड, जो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है नक्की झील। तो दोस्तों नक्की झील जो है माउंट आबू में है, और माउंट आबू स्थित है सिरोही में, जो जालोर पाली राजसमंद और उदयपुर के बीच में स्थित है। तो माउंट आबू सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। कितने ऊंची है? 1200 मीटर ऊपर। तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी झील होगी? ये आपकी नक्की झील होगी, ठीक है दोस्तों। तो टार्ड रॉक चट्टान का नाम है, टार्ड रॉक, जो वास्तविक मेंढक की तरह लगती है, इस झील के किनारे पर स्थित है। ये यहां पर आप जो ये
यहाँ पर पिक्चर है, ये बिल्कुल एक वास्तविक मेंढक लगता है। तो ये टॉड रॉक होती है, ठीक है, तो उससे ये निर्मित है। तो इस झील के किनारे पर ये स्थित है। नक्की झील के किनारे स्थित घूंघट निकाली स्त्री के आकार की चट्टान जिसे नन रॉक कहा जाता है। तो ये अलग अलग तरह की लुक के अंदर ये चट्टाने यहां पर मिलती है। इस झील के किनारे माउंट आबू पर्वत पर हाथी, चंपा और राम झरोका नामक गुफाएं स्थित है। रघुनाथ जी का मंदिर भी इस झील के किनारे पर ही स्थित है। तो यहां पर ये काफी जो नक्की झील से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे, वो मैं आपके सामने यहां लेकर आया हूं। इन्हें आप अपने नोट्स के तौर पे बनाते हुए चलिए। नेक्स्ट हम लेते हैं सिलीसेठ झील। तो सिलीसेठ झील दोस्तों अलवर में स्थित है, ठीक है, जो राजस्थान के पूर्वी इलाके में आता है। यह झील अलवर से 12 किलोमीटर दूरी पर 10.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, यहां पर अलवर के महाराज विनय सिंह जी के द्वारा 1845 में रानी शीला के लिए अद्भुत शाही महल और शिकाजी लॉज बनवाया गया था, ठीक है। तो शाही महल भी बनाया गया था और इन्हीं के द्वारा, विनय सिंह जी के द्वारा ही, कितने में, 1845 में इस झील का जो है वो निर्माण किया गया। नेक्स्ट हम लेते हैं दोस्तों बालसमंद झील। तो बालसमंद झील आपके पड़ती है जोधपुर में और ये मीठे पानी की झील है। इस झील का निर्माण 1159 में परिहार शासक द्वारा, बालक राव द्वारा, परिहार शासक 1159 में किसके द्वारा, बालक राव, और बालक राव से ही नाम जुड़ा है बालसमंद का। दोस्तों नाम में ही आपके पूरे आंसर छुपे हुए हैं, ध्यान से पढ़ते जाइए, नोट्स बनाइए और क्लिक करिए कि किस तरह से अपन इन चीजों को एग्जाम में तुरंत क्लिक कर पाएंगे। इसकी लंबाई 1 किलोमीटर तथा चौड़ाई 150 फीट है। जो यहां आप जो झील देख रहे हैं ये बालसमंद झील है, जो कि कहां पर स्थित है दोस्तों, जोधपुर में। नेक्स्ट हम लेते हैं कायलाना झील जो कहां पर स्थित होगी, जोधपुर में। तो जोधपुर के पश्चिम में स्थित इस झील का निर्माण 1872 में सर प्रताप ने करवाया था। ये झील जोधपुर शहर के पेयजल की आपूर्ति करने के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो जोधपुर में जो पेयजल आता है वो कायलाना झील से आता है। जो मीठे पानी की झील है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कायलाना झील की तस्वीर है। नेक्स्ट हम लेते हैं कोलायत झील, जो कि स्थित है बीकानेर में। तो जनश्रुति के अनुसार यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था और इस झील के किनारे पर प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को जो है कपिल मुनि जी का मेला लगता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोलायत झील कहां पर स्थित है, बीकानेर में। अब दोस्तों झीलों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पार्ट को हम देख लेते हैं कि वो इस तरह के क्या महत्वपूर्ण पार्ट हैं। तो यहां हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो ये हमें जानना आवश्यक है। तो उदयसागर झील, उदयपुर में स्थित इस झील का निर्माण आयर नदी के पानी से होता है। ये हाल ही में जो क्वेश्चंस निकले हैं उस पे आधारित ये नोट्स हैं। भोपाल सागर झील, चित्तौड़ में स्थित इस झील का निर्माण भोपाल सिंह द्वारा कराया गया। तो उदय सागर झील कहां पर है, आपके उदयपुर में, उदय सागर। भोपाल सागर आपके चित्तौड़गढ़ में। जेत सागर झील आपके बूंदी में स्थित है। बूंदी में स्थित इस झील का निर्माण जेता मीणा के द्वारा कराया गया था। नंद संबंध झील, इसको राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है, संबंध से रिलेटेड राजसमंद से हम कर सकते हैं। मोती झील, इस झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। तो मोती झील कहां पर है, भरतपुर में। सावन भादो झील, ये झील अचलगढ़ सिरोही में स्थित है। तो ये कौन सी है, सावन भादो झील। नेक्स्ट है तलवाड़ा झील, हनुमानगढ़ में स्थित ये झील गग्गर नदी के जल से भरती है। तो कहां पर, हनुमानगढ़ में। गेप सागर झील काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो डूंगरपुर में ये स्थित है गेप सागर झील। नवलखा झील आपके बूंदी में स्थित है और बूंदी में ही जैत सागर भी आपके स्थित है।
नेक्स्ट है गढ़ी सर या गढ़ी सर झील। ये झील जैसलमेर में स्थित है। इस झील का निर्माण रावल गढ़सिंह अथवा गढ़सी के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट मानसोवर सरोवर एवं काडीला झील, तो झालावाड़ में स्थित ये झीलें असनावर के निकट मुकुंद्रा पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो मुकुंद्रा जो हिल्स है वो कहां पर है? मुकुंद्रा आपने सुना होगा अभ्यारण भी है। तो झालावाड़ में स्थित ये झील असनावर के निकट जो है स्थित है। इन झीलों का उपयोग मुख्यतः सिंचाई के लिए किया जाता है। तो ये दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से जितनी भी इंपॉर्टेंट झीलें हैं वो मैंने आपको यहां पर कवर करवा दी है। साथ ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कहां से पढ़ने हैं इसकी भी पूरी सूचना आपको दी जाएगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको ये कंप्लीट प्रॉपर नोट्स आपको यहां पर प्रोवाइड भी कराए जाएंगे और आपको ये भी बताया जाएगा कि ये किस तरह से हम आपको आगे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो नेक्स्ट क्लास होगी राजस्थान के जल स्रोत से ही रिलेटेड होगा और राजस्थान के प्रसिद्ध बांध हम अपने आने वाले वीडियो में करेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको राजस्थान की जो नदियां हैं उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, तो वहां पर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों और उसको भी आप देखिए। राजस्थान की झीलें आज हमने ली हैं और हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो राजस्थान के बांध से रिलेटेड पार्ट हम लेने वाले हैं। तो दोस्तों आप अगर आपने स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं या अगर आप भी सीखना चाह रहे हैं तो आप सारस्वत स्टेनो क्लासेस में संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेशल बैच चलाए जा रहे हैं एसएससी और आरएसएमएसएसबी के जो स्टेनोग्राफी एग्जाम है उनको लेकर। एडमिशन ओपन है 9887060188 पे आप संपर्क करके ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको कंप्लीट डिजिटलाइजेशन स्टेनोग्राफी क्लासेस मिल रही है और मिल रही है ऑल ओवर इंडिया की जो सबसे बेटर फैसिलिटी। आपको फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर आपको प्रॉपर स्टेनोग्राफी सॉफ्टवेयर यूज करा रहे हैं कि जो आप आरएसएमएसएसबी के अकॉर्डिंग रूल्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर स्टेनोग्राफी लिखेंगे टाइप करेंगे और आप उनके इंस्टेंट रिजल्ट यहाँ से ले सकते हैं ताकि अपन इस एग्जाम में ज्यादा बेटर से बेटर चीज को अपने रिजल्ट को बनाए रखें और इस जो ये मौका जो आपको मिला है उसको आप गवाए नहीं। तो दोस्तों आप जल्द से जल्द अपनी स्टेनोग्राफी को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।